नाव में मैं हूं आपके साथ चुंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। वार्ड नंबर 7 के रहने वाले बिशन दास पुत्र शंकर दास का मकान आज पूरी तरह से टूट गया और पूरा परिवार अब सड़क पर आ गया। यह सब PMGSY विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। उन्होंने इनके घर के आगे सड़क निकाली थी। उनके घर को कोई भी डंगा वगैरह नहीं लगाया था। बार बार या प्रशासन से गुहार लगाते रहे क्योंकि पिछली बरसात में इनके पूरे घर में पानी भर गया था। कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ था। तब इन्होंने पड़ोसियों के घर में शरंडी थी। इस बार पहली बारिश में पूरी तरह से पानी भर गया था। इनका घर का काफ़ी कीमती सामान उन पानी में बह गया। पड़ोसियों की मदद से बड़ी मुश्किल से घर के सदस्यों की जान बचाई। पिछली बरसात में विभाग के अधिकारियों के BDC चेयरपर्सन धर्म सिंह यहाँ के तहसीलदार प्रशासन के अधिकारियों से बात की, मौके पर आए थे किंतु किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। शायद सब लोग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। आज उनका मकान पूरी तरह से गिर गया। अब वे लोग प्रशासन से यह सवाल कर रहे हैं कि सब जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन ने विभाग ने किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा वह लोग बेघर हो गए। यह पड़ोसी लोगों का आज भी जीना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।